लोकप्रिय विधायक माननीय विधायक जी, क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह का हार्दिक अभिनंदन वंदन। डिमांडें तो बहुत है, सिर्फ ये तीन डिमांड रखी हैं। उम्मीद करूंगा आप हम लोगों को निराश नहीं करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, आप हमारा साथ दीजिए। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये सेक्टर P3 तन मन और धन से आपके साथ रहेगा। ये सेक्टर को अलॉटमेंट 96 में हुआ था और 2001 में पोजीशन के लिए दे दिया गया था। मैं इस सेक्टर का फर्स्ट रेजिडेंट हूं, मैं 2002 से रह रहा हूं। इस सेक्टर में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन जो विधायक जी के ध्यान में लाने की समस्या वो 25% का है, तब से लेकर अब तक वो कुछ घर ही बने हैं जो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हुआ है, बाकी मैक्सिमम 90% 25% में बने हुए हैं ए ब्लॉक के और डी ब्लॉक के। उसमें ऑटो वाले मजदूर ये सब रहते हैं और उसमें काफी चोरी चमारी का भी डर रहता है। बीच में अथॉरिटी ने यह भी बोला था कि जो 25% जितना है उनको अभी कंप्लीट करना, आज 2019 हो गए तब से अभी करीबन 18 ये क्षण भर की उनके लिए समस्या है। आप बिल्कुल चिंतित ना हो, बहुत सक्रियता के साथ कार्यरत रहते, हमेशा एक रावपुरा गांव को जब इतना चमका रखा है तो आपका तो P3 उनके क्षेत्र में, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे और हमेशा ऐसे उनका साथ देते रहे। मुझे पता है आपके बीच वो शेर आया है विधायक बन करके, आप विधानसभा नहीं लोकसभा की तैयारी करें, इतना ही कहूंगी, है ना? क्योंकि जब कुर्सियां मजबूत होंगी, कलम की ताकत मजबूत होगी, कोई काम नहीं रुक पाएगा। तो एक मैं छोटी सी दो लाइन कहूंगी सचिन के लिए, उससे मेरे तिरंगे ने रोकर कहा कुर्सियां भ्रष्ट हो तो वतन क्या करे, हमें तो भ्रष्ट वाली कुर्सियां उखाड़ दी है, अच्छी वाली मजबूत बनाकर रखती। धन्यवाद। जो हमारे RAW के अध्यक्ष हैं भाई मेजर बाटी जी, जो आपने अपनी ये तीन विशेष मांग जो रखी है, उन मांगों को विधायक जी के द्वारा जल्द से जल्द निवारण होगा, ये मैं पूर्ण आशा के साथ माननीय विधायक जी से निवेदन करता हूं। लोगों की राजनीति का मकसद था अपनी तिजोरियां भरना, उसके लिए नागरिकों पर कितना ही जुल्म हो उससे इन्हें कोई मतलब नहीं था। मैंने देखा पिछली सरकारों में हमारे जो खनन मंत्री थे उनकी तिजोरियों में जब पैसा निकला तो वो खनन विभाग के बजट से ज्यादा था। जहां सरकारों की ऐसी मंशा रही हो और जहां आपके सेवक सिर्फ पैसे कमाने का मकसद रखते हो, वहां लोकतंत्र कैसे मजबूत हो पाएगा और आपकी अपेक्षाओं की पूर्ति कैसे हो पाएगी, ये मैं भी नहीं समझ पाया। आज इस प्रदेश में और देश में सशक्त हाथों में कमान है राजनीति की और मकसद है इस राष्ट्र की तरक्की। मोदी जी की सरकार और प्रदेश में योगी जी की सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जब भी कोई अच्छा कार्य होता है अनेकों बाधाएं सामने आती हैं, क्योंकि सिस्टम तो वही मिला हुआ है जो भाई भतीजावाद से ग्रस्त है, वही अधिकारी हैं, वही काम करने वाले लोग हैं। एक साथ तो सबको बदला नहीं जा सकता, नहीं तो सिस्टम खत्म हो जाएगा। उन सब गली हुई व्यवस्था, जंग लगी हुई व्यवस्था और दीमक से ग्रस्त व्यवस्था से एक बेहतरी का प्रयास है इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का और इस राष्ट्र को वो समृद्धशाली राष्ट्र बनाने का जहां किसी समय पर
हिंदुस्तान की जीडीपी पूरी दुनिया में सबसे अधिक हुआ करती थी, एक ऐसा भी समय था। अब मैं लौटता हूं आपके सेक्टर की तरफ। मजबूती का समय है, जेवर एयरपोर्ट के निर्माण से यहां अनेकों मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं। इतना बड़ा निवेश इस क्षेत्र में होने जा रहा है कि आपको ही नहीं वरन पूरे उत्तर भारत के नौजवानों को और उन सभी लोगों को जो स्किल्ड नहीं है उनके लिए एक बेहतरीन मौका इस जेवर एयरपोर्ट के रूप में आपके समक्ष है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत होगा कि आप लोगों का जीवन स्तर उन्नत होगा, आपका शहरी लोगों का ही नहीं वरन गांव में किसान लोग हो या नौजवान लोग हो जिन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहे, आने वाला समय उन लोगों का स्वर्णिम समय है। अनेकों बाधाएं इस एयरपोर्ट को बनाने में हुई, किसानों ने सहमति नहीं दी, 20% के बाद काम रुक गया। लेकिन जब जज्बा हो और सरकार की नीयत साफ हो तो मैं समझता हूं कि सारी बाधाएं पार हो जाती हैं। वही जेवर एयरपोर्ट के विषय में हुआ, किसानों को समझाया गया कि बेशक आपको आज की तारीख में मुआवजा कम लग रहा हो लेकिन आप इतिहास में एक उदाहरण बनने जा रहे हैं पूरे देश के लिए। आपको सम्मान के साथ देखा जाएगा कि जेवर क्षेत्र के किसानों ने एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जहां दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है उसके आप कारण बनेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा रास्ता छोड़कर जाएंगे जो उनके मजबूत भविष्य का निर्माण करेगी। तो ये सब बातें जब किसानों को समझाई गई तो वो दिन आया कि अब 29 तारीख को ये फाइनल हो जाएगा कि कौन सी कंपनी इस एयरपोर्ट का निर्माण करेगी। उससे पहले हजारों करोड़ रुपए इस जिले में इन्वेस्ट हो चुका है जिसमें अनेकों विदेशी कंपनियां हैं और जब वो चालू हो जाएंगी तो निश्चित तौर से आप लोगों को उसका लाभ होगा। एक हौजरी क्लस्टर यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बनने जा रहा है सेक्टर 32 में, जिससे 5 लाख रोजगारों का सृजन होगा और वो रोजगार होंगे ऐसे जिनमें 60% महिलाओं की भागीदारी होगी। ये ऐसे उद्योग हैं जिनसे अनस्किल्ड लेबर भी अपना जीवन यापन कर सकती है। गांव की वो महिलाएं जो खेती में मजदूरी कर बामुश्किल 2 जून की रोटी जुटा पाती हैं हौजरी क्लस्टर के बाद में उन्हें अपने जीवन स्तर को सुधारने के बहुत से मौके उनके सामने होंगे। इसी तरीके के कई प्रोजेक्ट, वेयर हाउसेस और यहां तक कि सरकार की योजना है कि हमारे हवाई जहाज सिंगापुर रिपेयर होने के लिए जाते हैं तो एक मेंटेनेंस रिपेयर का बहुत बड़ा हब भी एयरपोर्ट के पास बनाने की सरकार की योजना है, जिससे जो विदेशी जो हमारी मुद्रा है, जो विदेशी मुद्रा हम विदेशों में खर्च करते हैं उसे हम रोक सकें। तो इस तरीके की अनेकों योजनाएं इस क्षेत्र के लिए आपके लिए बहुत शीघ्र आने वाली हैं। जहां तक प्राधिकरण की आवाज को किस तरीके से बुलंद कर पाता है यही लोकतंत्र की ताकत है। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर और मेरा प्रयास होगा इसी तरीके से मैं आपके बीच में आता रहूं। पहले जो समस्याएं आपने मुझे दी हैं इनका निराकरण कराऊं, जब मैं अगली बार आऊं तो उन समस्याओं का समाधान आपके सामने प्रस्तुत करूं। यही लोकतंत्र है और यही सरकार की मंशा है, वो केंद्र सरकार